सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय बिरसा। साथियों, ये जो आज का सम्मेलन है जिसमें देश के दलितों को, आदिवासियों को और माइनॉरिटीज के लोगों को बुलाया गया है, उनके नेताओं को आमंत्रित किया गया है, उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश में प्रति साल, प्रति वर्ष देश के दलितों पे होने वाले अत्याचारों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो चुकी है। मैं आपकी जानकारी में ये लेना चाहता हूं, हम लोगों ने पिछले 20 साल के दलितों पे होने वाले अत्याचारों के संख्या का दस्तावेजीकरण किया है और उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद शामिल हूं। पिछले 20 साल में दलितों और आदिवासियों पे करीब 12 लाख अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। और ये जो 12 लाख अत्याचारों की घटनाएं हैं, हमारा आकलन ऐसा है कि हर अत्याचार की घटना से कम दलित और आदिवासी परिवारों के 10 व्यक्ति प्रभावित होते हैं। एक अत्याचार की घटना से कम 10 व्यक्ति प्रभावित होते हैं। वो परिवार जिस पे अत्याचार हुआ है वो प्रभावित होता है, उसके नजदीक के रिश्तेदार प्रभावित होते हैं। अगर हम भारत सरकार के सेंसस रिकॉर्ड का यदि जायजा लें तो हमको पता लगेगा कि भारत का परिवार की औसत परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है, तो कम से कम 2 परिवार तो प्रभावित होते हैं। तो अगर 12 लाख अत्याचार की घटनाएं हुई हैं दलितों पर, तो इस देश में लगभग 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पिछले 20 साल में अत्याचारों से पीड़ित हैं, जो सरकार के सामने, जो देश की पुलिस के सामने, जिला प्रशासन के सामने, राज्य सरकारों के सामने, केंद्र सरकार के सामने और डिस्ट्रिक्ट कचहरी से लेकर देश के उच्चतम न्यायालय से ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है, हमारा अनुभव यह बताता है ना गांव में दलित आदिवासी को न्याय मिल रहा है, ना ब्लॉक में न्याय मिल रहा है, ना जिले में न्याय मिल रहा है, ना राज्य में न्याय मिल रहा है, और केंद्र में भी सरकारों से दलित आदिवासी और पिछड़े समुदायों को न्याय नहीं मिल रहा है। जो ताजा तरीन घटना है जिसके इर्द गिर्द इस सम्मेलन को बुलाया गया है और जो इस देश में बहुत ही चिंता का विषय है, महाराणा प्रताप जयंती के दिन फूलन देवी का हत्यारा सहारनपुर के शबीरपुर के पास एक जनसभा करता है। उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए प्रतिबंध है कि अगर आप कोई जन्मदिन मना रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई उत्सव कर रहे हैं,
तो गांव के बीच से आप कोई प्रोसेशन नहीं निकाल सकते। 5 मई के दिन मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अपना मोबाइल साइलेंट मोड में डाल दें, क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं उनको नहीं पता कि आप एक सम्मेलन में बैठे हैं। 5 मई के दिन महाराणा प्रताप जयंती के दिन फूलन देवी के हत्यारे ने सहारनपुर में एक मीटिंग की, शबीरपुर गांव से एक खास बिरादरी के लोग जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति से आते हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों ने गांव में रविदास मंदिर के सामने दलितों को अपशब्द कहते हुए यात्रा निकालनी चाहिए। वहां का प्रधान जो जनरल सीट पर पिछली बार जीता था शिव कुमार, और इस बार रिजर्व सीट पर जीत कर आया, तो ये बात वहां के ठाकुर बिरादरी के लोगों को हजम नहीं हो रही थी। तो शिव कुमार प्रधान ने पुलिस को, जिला प्रशासन को, सबको इस बात की खबर दी कि ये लोग जबरदस्ती ये प्रोसेशन निकालना चाहते हैं, दलितों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यहां स्थिति बिगड़ सकती है। तो उन्होंने पुलिस को कहा कि आप इस पर रोक लगाइए। पुलिस ने थोड़ी सी कार्रवाई करते उनको रोक दिया। फिर ये लोग उस सम्मेलन में जाते हैं जिसको महाराणा प्रताप जयंती के लिए बुलाया गया था, जहां फूलन देवी का हत्यारा मुख्य अतिथि था। वहां वो लोग नारे लगाते हैं, अपनी जात के लोगों को जोश दिलाते हैं और शबीरपुर के लोगों को सबक दिखाने की बात सिखाने की बात करते हैं। बड़ी संख्या में लोग उस शबीरपुर गांव में आते हैं, उस गांव के रविदास मंदिर पे हमला करते हैं, फास्फोरस नाम का पदार्थ वहां फेंकते हैं। अब जब फास्फोरस कहीं फेंका जाता है, आप में से बहुत सारे साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टरी के स्टूडेंट्स होंगे, अगर फास्फोरस किसी बंद जगह पे फेंका जाएगा तो उससे फॉस्जीन बनती है। फॉस्जीन जो गैस है, अगर उसको कोई व्यक्ति इनहेल कर ले उसकी जान जा सकती है। तो जिस व्यक्ति ने फास्फोरस फेंका उस व्यक्ति ने फॉस्जीन को इनहेल किया, वो व्यक्ति वहां गिर पड़ा, उसको फिर ठाकुर लोग उठा के ले गए, उस लड़के की बाद में मौत हो गई। इस पूरे हमले में 50 से ज्यादा जाटव चमार परिवार, जाटव परिवारों के लोगों के घरों में आग लगाई गई, उनके मकानों में तोड़फोड़ की गई, रविदास मंदिर में तोड़फोड़ की गई। दलितों ने विरोध किया तो चोटें आई। शिव कुमार प्रधान के लड़के को मरणासन हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। अगले 10 दिन तक ना कोई सरकारी अमला वहां उनकी हालचाल देखने गया, अस्पताल में क्या हो रहा है वो नहीं देखने गया। लेकिन साथियों, अगर बात इतनी होती थी तो समझ में आ जाती थी। हमारे बीच में ओबीसी मुक्ति मोर्चा के महाराष्ट्र के नितिन चौधरी जी आए हैं, उसके अध्यक्ष, मैं उनसे निवेदन करता हूं वो मंच पे आ जाएंगे। नितिन चौधरी जी, लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। साथियों, आपको पता है कि इस देश में ट्रेनों की तो बात छोड़ दीजिए, हवाई जहाज भी देर से चलते हैं आजकल। तो हमारे साथी जो सुबेरे आने वाले हैं वो ऐसे ही आएंगे। तो साथियों, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की शबीरपुर के अपराधियों के ऊपर, जहां हमारे बच्चों की जानें खतरे में थी, तो 9 मई के दिन भीम आर्मी के नेतृत्व में वहां के युवा इसके प्रोटेस्ट में मार्च करना चाहते थे। वहां
पुलिस के साथ मिलकर हिंदू वाहिनी के लोगों ने दलितों पर हमला किया, उन नौजवानों पर हमला किया, हमारे बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, उसमें चंद्रशेखर, कमल वालिया, शिव कुमार प्रधान, सोनू और सैकड़ों लोगों, सैकड़ों नौजवानों को पकड़ के जेल में डाला गया। अभी हमारी साथी सुमेधा बौद्ध और सुजा जी वहां पर गए थे और थोड़ी देर में वो भी आपको बताएंगे कि उनकी भीम आर्मी के लोगों से क्या बातचीत हुई, वो भी आपके बीच में रखेंगे। हाई लोअर कोर्ट ने, पुलिस ने हमारे तमाम दलित नौजवानों के ऊपर 15-15, 20-20 मुकदमे लाद दिए। हमला हमारे ऊपर हुआ, दलितों पर हमला हुआ और मुकदमे भी हमारे ऊपर लगाए गए। साथ हाई कोर्ट ने जब चंद्रशेखर को और उनके साथियों को जमानत दे दी, तो जमानत के हिसाब से तुमको छूटना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने, सरकार ने उस पर एनएसए लगाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 20 करोड़ की आबादी का राज्य है वो, 75 जिलों में से केवल एक जिला है सहारन प्रदेश, सहारनपुर। क्या एक व्यक्ति या तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति, और सहारनपुर जिले में 10,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, आईबी के लोग हैं, सीआईडी के लोग हैं, सीबीसीआईडी के लोग हैं, कोर्ट है, कचहरी है, सोचिए कि क्या वाकई में 3-4 लोग इतने खतरनाक हो गए कि सरकार को एनएसए लगाना पड़ा। मैं तो सोचता हूं कि यदि अगर सरकार 4 लोगों को कानूनी तौर पर हैंडल नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, उसको सत्ता में रहने का हक नहीं होना चाहिए। ये जो करोड़ों रुपए की तनख्वाहें एसपी को देते हैं, डीएसपी को देते हैं, डीएम को देते हैं, सीएम को भी तनख्वाह मिलती है, मंत्रियों को भी तनख्वाह मिलती है, एमएलए को भी तनख्वाह मिलती है, और आप एक छोटे से 75 में से एक जिले में इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बाद आपको लगता है ये 4 आदमी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खतरा है? ये झूठ अब चलने वाला नहीं है सर। ये बात हम कहना चाहते साथियों, एनएसए एक ऐसा कानून है जिसमें 6 महीने तक सरकार सुनवाई नहीं करती, कोर्ट सुनवाई नहीं करता। आप मुझे बताइए, 6 महीने, अभी 2 महीने हुए नहीं, जेल में हमारे युवा नौजवान साथी चंद्रशेखर को पता नहीं क्या खिलाया उन्होंने, हमें क्या पता उन्होंने क्या खिलाया। यह भी हो सकता है कि जेल में उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो, यह भी तो हो सकता है ना, उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो तभी उसकी स्थिति इतनी खराब हुई हो। सरकार, मैं मेडिकल अस्पताल गया, मेरठ अस्पताल गया चंद्रशेखर से मिलने कि मालूम करने में क्या बीमारी थी, सरकार मिलने नहीं देना चाहती। भाई कुछ तो चीज है जो सरकार छुपा रही है। तो हम इस सम्मेलन को हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि ये केवल चंद्रशेखर, शिव कुमार, सोनू या केवल सहारनपुर और शब्बीरपुर के लोगों का मुद्दा नहीं है। ये आज ये सहारनपुर में हुआ है, कल को भुवनेश्वर में होगा, जगत सिंहपुर में होगा, लुधियाना में होगा, तरन तारण में होगा, मध्य प्रदेश के रीवा में होगा, उमरिया में होगा, महाराष्ट्र के भीड़ में होगा, औरंगाबाद में होगा, तो किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हो सकता है। तो इसलिए इस सभा को बुलाने के लिए राष्ट्रीय दलित महासभा ने इस सम्मेलन को इसलिए बुलाया है
और अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को इस बात के लिए बुलाया है, आप लीडरों को इस बात के लिए बुलाया है कि हमें यह समझना है, हमें यह सोचना है, हमें यह फैसला करके जाना है। आपको और हम सबको यह फैसला करके जाना है कि अगर ऐसे दलित आदिवासियों पर अत्याचार होंगे जहां ना सरकार सुनेगी ना न्यायालय सुनेगा, अगर गली में कुत्ता मर जाए तो हाईकोर्ट संज्ञान ले लेता है, दिल्ली में अगर एडवर्टाइजिंग का बोर्ड गिर जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसका संज्ञान ले लेते हैं। अरे दिन दहाड़े लोगों के संवैधानिक हकों का हनन हो रहा है, किसी जज को दिखाई नहीं देता, किसी न्यायालय को दिखाई नहीं देता। तो इसलिए साथियों मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जो भी साथी आएंगे जो भी बोलेंगे, आपको पता है कुछ दिनों पहले अखलाक का मसला हुआ दादरी का, जिस आदमी ने अखलाक को मारने में भूमिका निभाई उसके परिवार को सरकार नौकरी दे रही है, सोच के देखिए। पहलू खान को अलवर में मार दिया और अब सरकार की नींद खुली है, नहीं लीजिए अब जानवरों की खरीद फरोख्त पर हम हटा देते सब कुछ। तो भाइयों बहनों, हम दलित भी हैं यहां पर, आदिवासी भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं, हम लोगों को आज चर्चा करके ये सोचना है कि जब सरकारें हमारे हकों का हनन कर रही हैं तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो बाबा साहब के सिपाही हैं, बिरसा मुंडा के सिपाही हैं, हम तो कानून को मानने वाले हैं, हम सरकार से ये पूछने के लिए आए हैं सरकार हमें वो रास्ता बताए जिस रास्ते के जरिए हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर सकें और जो लोग अत्याचार करते हैं, जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई न्याय सम्मत हो सके। हम इसलिए यहां पर आए साथी, और हम ये भी बताना चाहते हैं जो भी साथी आएंगे बहुत संक्षेप में उनको अपनी बात रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले होंगे, समय हमारे पास शाम के 4 बजे तक का है क्योंकि लोगों को जाना भी होगा। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि अपनी बात जब आके रखेंगे तो इस बात पे फोकस करेंगे कि ये जो खतरनाक स्थिति बन गई है जहां ना सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, कोर्ट कचहरी नहीं सुन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें लोकतांत्रिक तरीके से क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हो सके। भाई बहन, इस पृष्ठभूमि से इस सम्मेलन को, और हम इसको स्ट्रेटेजिक सम्मेलन कर रहे हैं, हम इसको रणनीतिक सम्मेलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको यहां बैठकर अपनी अपनी तरफ से ऐसी रणनीति बतानी है, ऐसी स्ट्रेटेजी सजेस्ट करनी है कि हम लोगों को आने वाले समय में संविधान के दायरे में रहकर हम क्या कार्रवाई करें। हम कोई दंगा फसाद के लिए नहीं आए हैं यहां पर, और ना दंगा फसाद में हमारा यकीन है। तो इस पृष्ठभूमि में तो मैं जितने भी साथी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग नीचे बैठे हैं, कुछ साथी ऊपर हैं, कुछ लोग साथी बोलेंगे फिर अपनी अपना जगह ले लेंगे, कुछ साथियों को नीचे से बुलाएंगे, तो इसको कोई अपने मान सम्मान का मुद्दा ना बनाए। हम कोशिश करेंगे कि जितने लोग बोलना चाहें उनको सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका तभी मिल पाएगा जब हम अपनी बात एक तो रिपीट नहीं करेंगे, संक्षेप में रखेंगे और रणनीतिक सुझाव देंगे। हमारी साथी यहां सृजा हैं,
वो सारे के सारे रणनीतिक सुझावों को लिखेंगी, और भी बहुत सारे साथी हैं वो भी लिखेंगे, वो भी बनाएंगे, मैं भी उसको नोट करूंगा। और कार्यक्रम के अंत में करीब 3:30 बजे हम लोग फैसला करने के, जो भी चीजें आएंगी उन फैसलों के बारे में फिर अंत में बताएंगे कि आगे हमें क्या कार्रवाई करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं आप में से एक व्यक्ति हूं, इस कार्यक्रम का नेता नहीं हूं। सारे के सारे लोग जो यहां बैठे हैं अपनी अपनी जगह के नेता हैं। मेरा काम केवल इस सम्मेलन को बुलाना था, उस सम्मेलन की स्थिति आपको बताना था, और मौका मिलेगा तो मेरा जो दिमाग है, अभी मैंने अपनी बात नहीं रखी है, मैंने तो केवल जो सम्मेलन की पृष्ठभूमि है वो आपके सामने रखा है। Thank you.